राणा मुजाहिद अली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए। आसिफ नाज खोकर को PHF का ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उसामा ने, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी उसामा बताइए। अच्छा बिल्कुल, ओलंपियन राणा मुजाहिद अली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए और राणा मुजाहिद अली को लाहौर में होने वाले कांग्रेस इजलास में सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इसी तरह कर्नल आसिफ नाज खोकर को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। आज लाहौर के निजी होटल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कांग्रेस का इजलास हुआ, जिसमें सदर हॉकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन सदर खालिद सज्जाद खोकर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और नए मुंतखब होने वाले सेक्रेटरी जनरल और ज्वाइंट सेक्रेटरी को मुबारकबाद पेश की। नए मुंतखब होने वाले सेक्रेटरी जनरल मुजाहिद हुसैन और कर्नल आसिफ नवाज ने हॉकी को नई बुलंदियों पर ले जाने का अजम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हॉकी ने बहुत सारे नशेबों फराज देखी हैं। एक वक्त था कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और एक वक्त में हम इसके चैंपियन भी रहे हैं और हॉकी को उसका खोया हुआ दोबारा वही मकाम लाएंगे और इसके लिए मेहनत जारी रखेंगे। और नए मुंतखब होने वाले सेक्रेटरी जनरल राणा मुजाहिद अली ने पाकिस्तान हॉकी के लिए खिदमात जारी करने पर अपने उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान हॉकी के लिए मैं कुछ काम करूंगा और इसको नई बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा तफसीलात से आगाह करने के लिए।